दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीसी के सफ़र में। फ्रेंड्स, अभी तक हमने काफ़ी सारी जो सीरीज़ को मीन्स यूनिट्स को बैक टू बैक देखा। आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से मैं क्लियर करा सकूँ। अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने जीवे कंसेप्ट लेके आई। अब उन्होंने बोला कि भाई, जो आपका जो प्रोडक्शन मेथड है उसकी जगह अब हम जीवे को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अभी तक मैंने आपको तीनों विधियाँ भी बताई कि तीनों विधियों से रिलेटेड हमने हमने आय विधि भी देखी, हमने व्यय विधि भी देखी, उत्पादन विधि भी देखी। लेकिन आय विधि की जगह अब जो गवर्नमेंट ये कहती है कि हम जीवे को लेके आएंगे, यानी ग्रॉस वैल्यू एडिड प्रोडक्ट को हम लेके आएंगे, यानी जो हिंदी में कहते हैं सकल मूल्य वृद्धि। तो एक तो ये रीज़न जानेंगे आखिर क्या रीजन्स थे, कि आखिर जीवे लाने का क्या मकसद था, पहले हम ये देखेंगे। फिर इसके बाद ये फाइनल में कंक्लूजन हमारा ये निकलेगा कि आखिर अगर इंडिया की जो पहले जीडीपी एट एमपी पे होती थी, यानी मार्केट प्राइस पे जो है अब बोला जाए तो कैलकुलेट होती है, रैदर देन अब फैक्टर कॉस्ट पे। पहले फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी निकालते थे, लेकिन अब जीडीपी एट एमपी पे निकालते हैं। तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हम देख सकते हैं और फिर इंडिया को क्या क्या फायदा होगा। एक तो बात ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी बात, अभी हम इस जीवे को आगे बढ़ने से पहले एक बार दोबारा से छोटा सा रिकैप करेंगे। यहां पर मैं आपको फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस के जो बेसिक्स फीचर्स हैं उनकी उनकी तरफ मैं आगे बढ़ूंगा। फिर आप लोगों को बताऊंगा आखिर क्या क्या रीजंस होते हैं, फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है। क्योंकि जब भी जान के हम जीवे की तरफ आगे बढ़ेंगे, कि जो एस्पिरेंट्स मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप मेरे पुराने स्लाइड्स में जाके, पुराने प्लेलिस्ट में जाके आप नेशनल इनकम की सीरीज को दोबारा से देखिए। स्टार्टिंग से तो आपको सारे सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट एमपी यानी मार्केट प्राइस। जीडीपी होती क्या है? जीडीपी एक निश्चित समय के अंदर, एक निश्चित समय, एक विद इन द टेरिटरी के अंदर, यानी कि एक सीमा के अंदर, घरेलू डोमेस्टिक सीमा के अंदर, जितना भी वस्तुओं और सेवाओं का जितना भी उत्पाद होता है, जिसका मौद्रिक मूल्य होता है, उसको हम जीडीपी कहते हैं। ये तो बात समझ आ गई। फैक्टर कॉस्ट को हिंदी में साधन लागत कहते हैं और मार्केट प्राइस को हम बाजार मूल्य कहते हैं। तो क्वेश्चन अब यहां पे आप समझिएगा, ये देखिए, जीडीपी को हम अगर बात करें, जीडीपी को हम दो तरह से नाप सकते हैं। एक तो होता है हमारा एमपी, जीडीपी एट एमपी, एमपी, और एक होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इस चीज को समझने से पहले पहले इसकी पूंछ जो एमपी और एफसी है, पहले इसको समझते हैं, इनके बीच में डिफ्रेंशिएट को पहले अच्छे से समझते हैं, फिर बाद में जीडीपी जीडीपी हम फाइट करेंगे और चीजों को और कंसेप्ट को और तोड़ेंगे और मरोड़ेंगे। देखिए दोस्तों, फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मैंने मार्केट प्राइस यहां लिख दिया है, राइट? यानी कि फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस नहीं होता, ये सबको पता है। इसमें से अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि इसमें से क्या माइनस करेंगे, तो आप मुझे खुद बताइए कि इसमें से आखिर क्या क्या चीज है जो जो माइनस करी जाएगी, आप मुझे खुद बताइए। देखिए, इसमें से सच बताऊं तो माइनस के इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी करी जाती है, सब्सिडी करी जाती है, तो हम फैक्टर कॉस्ट पर पहुंच जाते हैं। देखिए क्वेश्चन, क्यों फैक्टर कॉस्ट में पहुंचने के लिए मार्केट प्राइस में से मैं इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस सब्सिडी कर दूं, तो हम फिर फैक्टर कॉस्ट पे क्यों पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं? फ्रेंड्स, लेट सपोज आपके पास, मान लीजिए आपने 1,000 रुपये का गुड्स ही आपने बनाया, ठीक है, आपने सब कुछ लगाया, इसमें आपने रेंट दिया, आपका लैंड लेबर, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गई, और आपके एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, यानी कि लैंड आपने किराए भी दिया आगे प्रोडक्शन करने के लिए, आपने लेबर को वही मजदूरी भी दी, फिर आपने कैपिटल को ब्याज दिया, और उद्यम को जो है प्रॉफिट मिलता है, यानी कि इसको बोलते हैं लाभ, राइट? ये सारी सारी चारों चारों चीजें थी। कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपने 1,000 रुपये की चीज का प्रोडक्शन किया, तो फ्री में तो करेंगे नहीं, कहीं ना कहीं आप भी पैसा खर्च करेंगे, कहीं ना कहीं वर्क फोर्स लेके आएंगे, कहीं ना कुछ करेंगे। किसी भी बिजनेस के लिए हमें चार चीजें चाहिए होती हैं, लैंड लेबर, आपका लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। तो इसी को ये इस जब लैंड को क्या मिलता है? किराया। आपका लेबर को क्या मिलती है? मजदूरी यानी कि वेजेस, सैलरी। कैपिटल को क्या मिलता है? ब्याज। और अगर बोले एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यम को क्या मिलता है? साहस जो दिखाता है, उसको क्या मिलता है? लाभ मिलता है।
जब आपने चारों चीजें मिक्स करी, आपने 1,000 रुपये का प्रोडक्शन किया और आपने 1,000 रुपये की चीज आपने मार्केट में बना दी, मीन्स आपकी जो कॉस्ट निकली इन सबको लेके, इंक्लूडेड द लाभ, इंक्लूडेड द प्रॉफिट को लेके आपने 1,000 रुपये की चीज, यानी कि मान लीजिए ये आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बाहर आते ही इसकी कॉस्ट 1,000 रुपये की पड़ गई। आपने बोला भाई सब कुछ ले लाके मैं मिनिमम प्राइस जो उसका है मेरी तरफ से जो जाएगा बाहर की तरफ, चाहे दुनिया 2,000 की बेचे मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे 1,000 रुपये की तो मैं बेचूंगा बेचूंगा जिसमें मेरा सब कुछ आता है। आपने ये प्राइस फिक्स किया, राइट? जब आपने फिक्स किया, कभी कभी गवर्नमेंट्स क्या कहती है, सब्सिडी भी देती है। मानते मेरी बात को, सब्सिडी मीन्स छूट देना किसी भी चीज को लेकर। मान लीजिए आप किसी अच्छे काम के लिए कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, तो जो आपकी कॉस्ट है, गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया, जो आपकी कॉस्ट है आपके हिसाब से तो आप माइनस करेंगे, आप अपने हिसाब से यहां पे माइनस करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए गवर्नमेंट प्लस करेगी नहीं करेगी, क्यों? उन्हें ऑलरेडी सब्सिडी दी थी तो उसकी जेब से तो पैसा गया था, तो गवर्नमेंट यहां पे क्या करेगी, सब्सिडी को प्लस करेगी। आगे देखिए, अब मान लिए आपकी फैक्ट्री से निकला, मार्केट पे जाते जाते इसकी कीमत हो गई 1,000 से 1,200 रुपये। भाई रीजन क्यों हुई? भाई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी देने पड़ते हैं, टैक्सेस भी देने पड़ते हैं, सेल टैक्स भी है। अब चले अभी तो GST लग गया, बात अलग है, उससे पहले क्या, उससे पहले सेल्स टैक्स भी देना पड़ता था किसी चीज का, अगर सेलिंग होती तो उसके लिए इसके प्रति भी सेल्स टैक्स देना पड़ता था। तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ये कॉस्ट, दुनिया भर की जो कॉस्ट मिला के वो मार्केट प्राइस कितना हो गया इसका, 1,200 रुपये, राइट? तो आपके प्रोडक्ट में से 200 रुपये जो एक्स्ट्रा जाएंगे वो आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें ऐड हो गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके ऐड हो गए। तो जब इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होंगे और सब्सिडी आपकी जब माइनस होगी तो वो आपका क्या निकलेगा, अगर ध्यान से सोचिए, वो आपका मार्केट प्राइस निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, यानी कि। तो इसी तरह अगर फैक्टर कॉस्ट, अभी सोचिए ये सिचुएशंस को हटाइए, यहां पे देखते हैं कि MP इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। मान लीजिए हमें मार्केट प्राइस निकालना है, हमें निकालना है मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट पे हमारी चीज आ चुकी है 1,000 रुपये की, फैक्टर कॉस्ट पे हमारी चीज आ चुकी है 1,000 रुपये की, राइट? तो अब आपने क्या किया भाई, आपने जब फैक्टर कॉस्ट है, आपने, मैंने बताया कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी भी देगी तो आपने इसको माइनस किया, चलो भाई लेट सपोज आपने सब्सिडी को माइनस कर दिया। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके 1,000 रुपये के गुड्स 1,200 में हो गए, तो क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हुए आपके, बढ़ गए नहीं बढ़ गए, ध्यान समझिए आपके बढ़ गए या नहीं बढ़ गए। तो अब आप इसको कैलकुलेशन लगाइए, यानी कि एमपी को, अगर आपका फैक्टर कॉस्ट है, अगर आपके पास फैक्टर कॉस्ट है और आपको एमपी पे जाना है यानी मार्केट प्राइस पे जाना है, तो आपको माइनस सब्सिडी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस करेंगे तो आपका एमपी पे आ जाएगा, यानी कि मार्केट प्राइस पे आ जाएगा। तो, लेकिन अगर आपके पास फैक्टर कॉस्ट है, मीन्स फैक्टर कॉस्ट निकालना है और आपको मार्केट प्राइस दे रखा है, मीन्स मार्केट प्राइस पे ऑलरेडी चीज कैलकुलेटेड है, तो फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इसमें आप इनडायरेक्ट टैक्सेस करेंगे प्लस में आप सब्सिडी करेंगे, राइट? तो हमें ये चीज पता चल गई कि सब्सिडी भाई क्यों माइनस, क्यों प्लस करी जाती है या फिर क्यों माइनस करी जाती है फैक्टर कॉस्ट में और एमपी कॉस्ट में, क्योंकि दोस्तों बेसिक कंसेप्ट यहीं से निकलेंगे। जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, मैं कितना भी पढ़ा लूं सब बेकार है। मैं चाहता हूं जो ये वीडियो भी एक्सपेरेंट देख रहा हो उसको अंदर से विश्वास जागे कि हाँ ये चीजें कंसेप्ट वाइज बिल्कुल सही समझाई हैं। तो उन्हीं कंसेप्ट्स को मैंने आपको यहां पे समझाया कि फैक्टर कॉस्ट में यानी कि साधन लागत में और मार्केट प्राइस यानी कि बाजार मूल्य में क्या फर्क होता है और इस पे कैसे पहुंचा जाता है, वही चीज अभी मैंने आपको बताई। अब इसको मिटाने के बाद अब जो आगे बढ़ेंगे वो हम बढ़ेंगे GVA पे, ग्रॉस वैल्यू एडिट पे। चलिए फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं फाइनली GVA को अच्छे से। अभी तक हमने GDP को जाना कि एक विशेष वर्ष में देश में एक भौगोलिक सीमा के अंदर, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक सीमा के अंदर, एक देश की सीमा के अंदर, नॉट भौगोलिक, एक देश की सीमा के अंदर जो भी चीजें उत्पादित होती हैं, कुल वस्तुओं सेवाओं को जो भी मौद्रिक मूल्य होता है उसको हम GDP एड फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, यानी GDP एड फैक्टर कॉस्ट, यानी साधन लागत पर आपकी जो GDP निकल के आते, सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ये चीज समझ आ गई। इसके बाद ये भी अगर हम बोल सकते हैं कि GDP पूरे अर्थव्यवस्था की तस्वीर भी पेश करता है। अगर बात करें, अगर वस्तुओं सेवाओं के अगर हम मान भी निकालें, तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे तस्वीर की भी अच्छे से पूरे GDP के बारे में बताता है। हाँ भी
हमारी जीडीपी इतने लाख करोड़ की हो गई, इतने अरब करोड़ की हो गई, कुछ इस तरह की हम देखते रहते हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर, इससे की चीज़ें हमारी निकल के आती हैं, राइट। तो अब आते हैं जीवीए पे, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिट, जिसको हम सकल मूल्य वृद्धि के नाम से जो है हम जानते हैं। दोस्तों देखो, इसके अंदर ये था कि एक विशेष वर्ष के अंदर उत्पादित कुल सेवाओं का मौद्रिक मूल्य भी था इसमें, राइट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ये होता है कुल मूल्य वृद्धि, यानी कितनी वैल्यू एडिट हो रही है एक वस्तुओं सेवाओं के फाइनल कंजप्शन तक, वो चीज ली जाती है। यानी कि इसके अंदर कुल मूल्य जो टोटल जो भी उस वैल्यू एडिटिंग हो रही है, मान लीजिए एक सामान 100 रुपए का फाइनल गुड्स हमें जीडीपी में निकल के आया, इसके अंदर वही सामान 100 का फाइनल में तो आया, लेकिन स्टेप टू स्टेप कितना आया, हम उस स्टेप्स को लेते हैं। उस स्टेप, कहने का तात्पर्य यही है कि आप इससे निकाल लें या इससे निकालें, चीजें दोनों की सेम आएंगी। अगर फैक्टर कॉस्ट पे बात करें तो चीजें दोनों की सो ही आएगा, लेकिन इसके अंदर डायरेक्ट सो लिया जाता है, इसके अंदर स्टेप टू स्टेप लिया जाता है। अब पहले चीजों को समझते हैं। मान लीजिए कैसे, मान लीजिए एक किसान है, ये गरीब किसान, इसने गेहूं उत्पादन किया और मान लीजिए मार्केट के अंदर मान लीजिए 100 रुपए का बेच दिया, 100 रुपए का बेच दिया, 100 रुपए ले आया के खुश हो गया ये। फिर इसी सामान को इसके मंडी में से एक मिल मालिक ने इसके 100 रुपए के गेहूं को खरीद लिया, और उसके बाद इसने क्या किया, मिल मालिक ने उसी 100 रुपए के बिस्कुट बना दिए जिसकी कीमत हो गई 200 रुपए, जिसकी कीमत हो गई 200 रुपए। तो जो ये किसान था, जीडीपी के अंदर, जीडीपी के अंदर ये होता है कि कुल सेवाओं और मौद्रिक मूल्यों का जो है, सेवाओं और वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य लिया जाता है, अंतिम मौद्रिक मूल्य। तो 200 रुपए जीडीपी के अंदर इंक्लूड करेंगे हम, ये बात भी समझ आ गई कि जीडीपी अगर हमें देखनी है, अगर हमें सकल घरेलू उत्पाद देखना है, तो 200 रुपए हमारा आपका आ गया, क्योंकि इसके अंदर मध्यवर्ती चीजें माइनस हो जाती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन अगर हम सकल मूल्य वृद्धि के हिसाब से निकालते हैं तो 200 रुपए तो फाइनल आएगा आएगा, लेकिन इसके स्टेप्स की गणना अलग होगी। इसके स्टेप्स की गणना इसलिए अलग होगी कि भाई हाँ, अब ध्यान से देखो, मूल्य वृद्धि 100 रुपए का फाइनल गुड्स ये आया, राइट, फिर 100 रुपए का ये आया, तो कहीं ना कहीं इसको अगर हम प्लस करेंगे, कहीं ना कहीं प्लस करेंगे तो 200 रुपए आएगा। तो चीजें दोनों की सेम निकल के आ रही हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, जब 100-100 इसका तोड़ तोड़ के लिया, 200 रुपए आया इसका, 200 रुपए फाइनल, तो हम फिर डायरेक्ट हम टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहे हैं, सीधा सीधा क्यों नहीं चलते, क्वेश्चन ये भी होगा आपके दिमाग में। दोस्तों एट फैक्टर कॉस्ट पे चीजें सेम होंगी, एट फैक्टर कॉस्ट पे चीजें हो सकता है सेम हो, बट जब मार्केट प्राइस पे आते हैं तो चीजें हमारी डिफरेंट हो जाती हैं। बताऊंगा कैसे, अब धीरे धीरे थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको खुद ही बताऊंगा कैसे ये चीजें जो होंगी चेंज होंगी। देखिए, हमें यह पता चल गया जीडीपी जो होता है पूरे अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश करता है, लेकिन जीवे के अंदर ऐसा नहीं है। जीवे के अंदर ये स्पेशल किसी फर्म की, किसी सरकार की, किसी उद्यम की या किसी परिवार की तस्वीर पेश करता है। मींस ये क्यों फैक्टर तोड़ तोड़ के दिखाते हैं, मान लीजिए फर्म हो गया, सरकार हो गई, उद्यम हो गया, तो इस वजह से यहां पे पूरी की पूरी जो जीडीपी के अंदर पूरी की पूरी ये दिखाता है। इसमें ये चीज पता नहीं चलती कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी के अंदर ये चीज पता नहीं चल पाती कि आखिर भाई परिवार का सरकार का उद्यम का कितना कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इसके अंदर यह पता चल जाता है कि एक सरकार, एक उद्यम, एक परिवार कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। हमें दो चीज पता चल गई। अब अगर हम बात करें जीवीए को निकालने के लिए, ग्रॉस वैल्यू एडिट को निकालने के लिए, कुल आउटपुट का जो मूल्य निकलता है, जो भी मूल्य वृद्धि निकल के आती है उसका आउटपुट, जिसको आउटपुट निकालने के लिए मात्रा गुणा में मूल्य भी होता है। आपने लेट सपोज, अगर मान लीजिए कोई एक फर्म है जिसने मान लीजिए 100 मान लीजिए बिस्कुट बनाए, जिसकी एक बिस्कुट की मतलब 5 रुपए, टाइगर बिस्किट, ठीक है, तो अगर देखें इसका जीवे कितना निकलेगा, जीवे इसका निकला 100, भाई मात्रा कितनी 100, मूल्य कितना है 5, इक्वल टू 500 निकल गया। माइनस में मध्यवर्ती खपत, जो भी इंटरमीडिएट गुड्स बीच में आ रहे हैं उसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। मान लीजिए आपका आ गया 100 रुपये इंटरमीडिएट हो गया, तो 400 रुपये आपका जीवे आ जाएगा, राइट, ये चीज समझ आ गई। लेकिन अगर हम जीवे एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं, ध्यान समझिएगा, तो
फैक्टर कॉस्ट ये जो चीज निकल रही है, यानी कि कुल मूल्य का, कुल आउटपुट का मूल्य माइनस मध्यवर्ती खपत, साथ में प्रॉपर्टी टैक्स प्लस स्टैम्प ड्यूटी, साथ में प्रॉपर्टी टैक्स प्लस स्टैम्प ड्यूटी करेंगे तो ये आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। एक बार और, जो आपका मूल्य निकला फैक्टर कॉस्ट पे, ये कुल आउटपुट का मूल्य माइनस में मध्यवर्ती खपत, इसमें अगर हम प्रॉपर्टी टैक्स प्लस स्टैम्प ड्यूटी कर देते हैं तो ये आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, यानी कि जीवी एट फैक्टर कॉस्ट। जो मैंने आपको यहां पे बताया कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीवी एट फैक्टर कॉस्ट, बोथ आर सेम होते हैं, इस चीज को जरूर याद रखिएगा। एमसीक्यू यहां से टेढ़े मेढ़े कैसे पूछे जाए जो है बताए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है वो सिर्फ साधन लागत पर निकाला जाता है। साधन लागत मीन्स भाई भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। भूमि को क्या मिलता है? लगान। पूंजी को क्या मिलता है? ब्याज। श्रम को क्या मिलता है? मजदूरी। उद्यम को क्या मिलता है? लाभ। भाई इसी के ऊपर जो फैक्टर कॉस्ट निकाला जाता है। यहां पर ऐसा नहीं है। अगर आप चीज को यहां से देखें, फैक्टर कॉस्ट तो है ही, लेकिन यहां पे प्रॉपर्टी टैक्स को भी ऐड करना पड़ेगा और स्टैम्प ड्यूटी को भी ऐड करना पड़ेगा, तभी आपका जो है जीडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट निकलेगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं मार्केट प्राइस पे। देखिए दोस्तों, जो मेन मोटिव है जीवीए अपनाने का वो ये है कि प्रोडक्ट टैक्सेस, प्रोडक्ट सब्सिडीज के ऊपर पूरा का पूरी जो कैलकुलेशन, पूरी की पूरी जो जीवीए की गेम है वो इसी पे ही है। देखिए समझते हैं पहले प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्ट, आप इसको लेट सपोज मान लीजिए ये प्रोडक्ट टैक्स हो गया और ये हो गया प्रोडक्शन टैक्स। प्रोडक्शन टैक्स, मान लीजिए आपने कोई एक फर्म खोली, लेट सपोज मान लीजिए आपने कोई 1 लाख रुपए में कोई फर्म खोली, प्रोडक्ट टैक्स में भी आपने 1 लाख रुपए की फर्म खोली, आपको फिर कुछ रजिस्ट्रेशन फीस, ये फीस वो फीस देनी पड़ती है। मान लीजिए आपका आउटपुट कितना भी आ रहा हो लेकिन आपको एक फी, गवर्नमेंट की जो फी होती है रजिस्ट्रेशन फी, वो आपको देनी पड़ेगी। इसमें भी देनी पड़ेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, इसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। लेकिन जो प्रोडक्ट टेस्ट होता है वो पर यूनिट के हिसाब से लगता है। प्रोडक्शन टैक्स में ऐसा नहीं होता। प्रोडक्शन टेस्ट में एक बार में टैक्स लिया जाता है, लेकिन प्रोडक्ट टेस्ट के अंदर ये होता है कि प्रोडक्ट टैक्स के अंदर कि पर यूनिट के हिसाब से जो है टैक्सेस पे किए जाते हैं, तो जिस वजह से आपकी जो अगर बोले प्राइस लेवल बोले तो वो कहीं ना कहीं कम भी होगा। मीन्स यहां पर इन्फ्लेशन जो होगी कम भी होना स्टार्ट हो जाएगा इनडायरेक्टली। तो जिस वजह से गवर्नमेंट ने जीवीए को एट मार्केट प्राइस, जो जी जो बेसिकली देखा जाए जीवी एट द मार्केट प्राइस को इसलिए लेने की कोशिश करी गई है ताकि हमारा इन्फ्लेशन को कम से कम किया जा सके और एक एक्यूरेसी आ सके जीडीपी के अंदर। इसी तरह प्रोडक्ट सब्सिडी, जो प्रोडक्ट सब्सिडी यानी कि पर प्रोडक्ट के हिसाब से सब्सिडी जाएगी, यानी कि एक बार में दे दी नहीं, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट जैसे लेट सपोज अगर होते हैं तो उसके हिसाब से जो है सब्सिडी जो है बेसिकली दी जाएगी। ये तो कंसेप्ट हो गया क्लियर कि भाई प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्ट सब्सिडी में क्या फर्क है, क्योंकि प्रोडक्ट टैक्स का मतलब होता है एक्चुअल वॉल्यूम। अगर अगर इसको और अच्छे से डिफाइन करें तो हमारा ये निकल के आता है कि ये एक्चुअली एक्चुअल में वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम है, ना कि प्रोडक्शन टैक्स की तरह कि बस एक बार टैक्स पे कर दिया आप कितनी भी यूनिट करो। नहीं, इस प्रोडक्ट टैक्स से गवर्नमेंट को रिवेन्यू भी प्राप्त होगा, ज्यादा से ज्यादा महंगाई भी कम होगी और एक तरह से जो बंदा जितने ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं उनको और ज्यादा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो जिस वजह से गवर्नमेंट ये प्रोडक्ट टैक्स को लेके आई और साथ ही साथ प्रोडक्ट सब्सिडी को भी लेके आई कि जितने प्रोडक्ट अगर अगर सब्सिडी देनी जा दी जाती तो एक साथ सब्सिडी ना देकर स्टेप टू स्टेप सब्सिडी को जो है दिया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये जीवे का पूरा फंडा क्लियर हुआ। क्वेश्चन, आखिर इतनी मगजमारी क्यों? आखिर क्वेश्चन ये भी था कि पहले गवर्नमेंट हमारी जो थी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे नापती थी, अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे क्यों नाप रही है? क्वेश्चन है यहां पे है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर सिंपल सा है। देखिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे हमें वास्ट लेवल पे चीजें पता चलती हैं और एज पर द इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर, एज पर द यूएन रिकमेंडेशंस, जो जो भी और भी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो भी जो है मार्केट प्राइस पे ही काउंट करती है, तो जिस वजह से तुलनाएं करने में आसानी होगी, जिस वजह से हम मार्केट प्राइस को लेके चल रहे हैं, एक बात ये समझ गए। और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में क्या होता था कि प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्ट सब्सिडी, इनके बारे में ज्यादा पता नहीं चल पाता था कि आखिर गवर्नमेंट को एक एक्चुअल फिगर नहीं मिल पाती थी, जिस वजह से इस एक्चुअल फिगर को पाने के लिए जिस वजह से गवर्नमेंट जो है जीडीपी एट द मार्केट प्राइस पे चली। एक तो ये भी रीजन था। उसके साथ साथ जो अगर बात करें
जो ये मार्केट प्राइस जो मेथड होता है, जो बेसिकली अगर मार्केट प्राइस जो मेथड होता है, ये बेसिकली अगर मैं बोलूं अमाउंट पेड बाय द, अगर मैं बोलूं तो कंज्यूमर्स होते हैं, राइट? क्योंकि मार्केट प्राइस में हमें यह पता चलता है कि एक कंज्यूमर कितना पे कर रहा है, लेकिन फैक्टर प्राइस में हमें यह पता चलता था कि एक प्रोड्यूसर कितना पे कर रहा है। तो हमें कंज्यूमर के हिसाब से हमें ज्यादा, क्योंकि कोई भी जीडीपी कंज्यूमर को ज्यादा पहले देखती है, तो जिस वजह से जीडीपी को ये लेके आए, तो जिस वजह से हम जो है फैक्टर कॉस्ट की जगह हम जो है जीडीपी को मार्केट प्राइस में हम जो है लेके आए हैं। मेरा बस बेस्ट मोटिव यही है कि मैं आप लोगों को एक ढंग से एक अच्छे से वे में समझा सकूं, ताकि चीजों को अच्छे से घुमा फिरा के एग्जाम्पल दे दे के। बाकी बस आप लोगों को सपोर्ट कीजिए इस वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके, जस्ट यूपीएससी एग्जाम की जितनी ज्यादा वीडियोस को आप लोग शेयर करेंगे उतना मेरा ही मोटिवेशन होगा और मैं अपने आप को कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। तो गाइज थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।